मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार प्रौद्योगिकी और संचार मंत्रालय ने 2019 में ओमानी साइबर सुरक्षा के 14 अरब से अधिक हैकिंग प्रयासों को रोका। मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट से पता चला है कि 2019 में मंत्रालय ने 332 सुरक्षा घटनाओं की खोज की, जिन्हें संबोधित किया गया और ओमानी साइबर स्पेस नेटवर्क को भेदने के 14 अरब से अधिक संदिग्ध प्रयासों को विफल कर दिया गया, जिसमें सरकारी नेटवर्क में प्रवेश करने के लिए 1 अरब से अधिक संदिग्ध प्रयास भी शामिल थे। उच्च शिक्षा मंत्रालय ने अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देशों में छात्रवृत्ति के लिए टिकट विनिमय सेवा की घोषणा की। एक बयान में कहा गया है, उच्च शिक्षा मंत्रालय उन छात्रों को सूचित करना चाहता है कि अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देशों में छात्रवृत्ति के लिए टिकट विनिमय अनुरोध सेवा अब सक्रिय है। मंत्रालय की वेबसाइट पर उसका उपयोग कर सकते हैं। वेबसाइट www.mohe.gov.om पर नियमों के अनुसार साइन अप करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को ओमान में 665 नए कोरोना वायरस मामलों और 10 मौतों की घोषणा की। MOH के अनुसार नए मामलों में 47 प्रवासी हैं और 618 ओमानी हैं। देश में कुल मामले अब 78,569 को छू चुके हैं, जिनमें से 60,240 अब स्वस्थ हैं और 412 का निधन हो चुका है। मंत्रालय ने सभी से आग्रह किया है कि वे सुप्रीम कमेटी और MOH द्वारा जारी सामाजिक दूरी के निर्देशों का पालन करें, साथ ही साथ घर पर रहें और जब तक आवश्यक ना हो बाहर न जाएं।